हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटी बुनाई का डिज़ाइन है ये, देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन भी है बनाना। ये देखिए, इसे किसी के भी प्रोजेक्ट्स पर डाल सकते हैं, लेडीज़ के, बच्चों के, जेंट्स के। ये देखिए, इसकी रॉन्ग साइड जो है बिल्कुल इस तरह से आएगी। और ये देखिए, ये छोटी डिब्बी वाला डिज़ाइन जो है वो बन के इस पे तैयार होगा। इस डिज़ाइन को हम 16 सिलाइयों में कंप्लीट करेंगे। सो 16 रोज़ का रिपीट पैटर्न है ये। और जो ये पैटर्न है, इसको बनाने से पहले हम एक फाउंडेशन रो बनाएंगे, और उसके बाद देखिए जो एंडिंग रो होगी इस डिज़ाइन की, वो भी डिफरेंट होगी। जहाँ पे आप इस डिज़ाइन को बनाना बंद करेंगे, वहाँ पे हम एंडिंग रो भी बनाएंगे एक, वो भी डिफरेंट होगी। तो उसके अलावा ये हम 16 रोज़ का पैटर्न जो है वो रिपीट करके बनाते जाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हम 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने 15 स्टिचेस लिए हुए हैं, 15 फंदे लिए हुए हैं। 4 के मल्टीपल में 12 फंदे लेने के बाद 3 फंदे और लिए हुए हैं। इस तरह से जो है हमने 15 फंदे यहाँ पे सैंपल के लिए लिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस पैटर्न को बनाने से पहले जो है एक बेसिक रो बनाएंगे, वो हम सीधी साइड पर बनाएंगे। पैटर्न जो है हमारा फिर उसके बाद नेक्स्ट उल्टी साइड से शुरू होगा। रो वन हम उल्टी साइड से शुरू करेंगे। तो उससे पहले, पैटर्न को शुरू करने से पहले, हमें एक फाउंडेशन रो बना लेंगे। फाउंडेशन रो देखिए किस तरह से बनानी है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से, और एक फंदा स्लिप करेंगे। तो देखिए, एक फंदा जो स्लिप करने के अलावा, जो हमने 4 फंदों पर जिस तरह से किया, वही हम फाउंडेशन रो फ्रंट साइड पर रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे उल्टे बनाते जाएंगे, और उसके बाद चौथा फंदा जो है वो स्लिप करते जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे इस सैंपल पर 2 बार और रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरी बार रिपीट हो गया। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, और यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे स्लिप करने के बाद। तो ये सेकंड लास्ट वाले को हम उल्टा बनाएंगे, और लास्ट वाले को हम सीधा बना लेंगे ऐसे। इस तरह से हम फाउंडेशन रो जो है कंप्लीट करेंगे अपनी रो वन पे, रो वन फाउंडेशन रो। तो अब हम पैटर्न की रो वन स्टार्ट करेंगे बैक साइड पे। तो इसके लिए देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम इस तरह से पर्ल कर लेंगे, उल्टे बना लेंगे। रो वन, रो टू, रो थ्री, 5 6 7, ये जो रोज हैं ये हमारे इस तरह से सिंपल सिंपल बनते जाएंगे, और रो 4 और रो 8 पर हमारा जो है डिज़ाइन जो है वो पड़ता जाएगा। तो इस तरह से हम रो वन बना चुके हैं, और सारी की सारी उल्टी बना के तैयार की है हमने ये। तो उसके बाद देखिए, रो वन फ्रंट साइड, रो टू फ्रंट साइड पे आके हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने निट कर लेने हैं, सीधे सीधे बुन लेने हैं इस तरह से। इस तरह से उसके बाद वापस आते हैं। इस तरह से हम रो टू जो है वो सीधी सीधी बना लीजिए। उसके बाद रो थर्ड आते हैं। पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे रो वन की तरह हमने उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से अब जैसा कि मैंने बताया कि रो 4 और रो 8 पे हम डिज़ाइन डालते जाएंगे, तो ये अब हमारी फ्रंट साइड पे रो 4 आती है। पहले फंदे हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को आगे करके हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद उसके बाद वाला हम स्लिप करेंगे। पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाए थे, फिर स्लिप किया था। अब हम एक फंदा उल्टा बना के स्लिप करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे, और उसके बाद देखिए ये वाला फंदा हमने स्लिप किया था,
इस वाले को हम इस तरह से उठाएंगे सिलाई पर, देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से उठाएंगे और ऐसे लेफ्ट वाले नीडल पर लगा देंगे और ऐसे दोनों फंदे लेके हम इन्हें साथ में उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए ये जो हमने चार फंदों पर किया, एक फंदा उल्टा बनाया, उसके बाद एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे से लूप को उठाते हुए ऊपर वाले फंदे के साथ साथ में बनाया, ये हमने रिपीट करते जाना है। देखिए कैसे, एक बार फिर से देखिए, उल्टा बनाया, स्लिप किया, उल्टा बनाया और यहाँ पे इस तरह से इस डिज़ाइन को बना लिया, लूप को उठा के दो को साथ में इकट्ठा उल्टा बुन लिया, इस तरह से उल्टा बनाया, स्लिप किया, उल्टा बनाया, लूप को लेके आए ऊपर, डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से डाला ऐसे को। अब इसके बाद आगे वाला फंदा उल्टा बनेगा, लास्ट वाला हम सीधा बना लेते हैं। तो ये हमारी रो फोर इस तरह से बनेगी। रो फोर इस तरह से बनाने के बाद रो फाइव आती है। रो फाइव पर पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी सारे के सारे फंदे जो हैं हम उल्टे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं उनसे मैं बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। तो इस तरह से हम रो फाइव कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं रो सिक्स। रो सिक्स पहला फंदा जो है स्लिप करा, उसके बाद सारे फंदे हमने नेट कर लेने हैं, सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये जो रोज़ हैं सिंपल सिंपल रोज़, ये मैं थोड़ी स्पीड में बना रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी खास डिज़ाइन नहीं पड़ना है, सिंपल सिंपल है। तो अब आते हैं हम रो सेवन, पहला फंदा स्लिप करा, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से। तो अब आते हैं हम फिर से रो एट पे, डिज़ाइन की लास्ट रो है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। और अब देखिए इस नेक्स्ट वाले फंदे पे, देखिए यहाँ पे हमने स्लिप किया हुआ था पिछली बार, तो अब हम इसे उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से इस फंदे के आगे लगाएंगे और इन दोनों को साथ में उल्टा बना लेंगे। देखिए तो एक फंदा इसके बाद उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर यहाँ पे अपने डिज़ाइन को करेंगे इस तरह से, लूप उठा के दोनों को साथ में बुन लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, यहाँ पे उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए हमने बैक साइड से रो वन स्टार्ट की है, फ्रंट साइड रो एट, ये हमारी इस तरह से बनेगी और इन्हीं रोज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी डिज़ायर्ड लेंथ जितनी हमें चाहिए उतना। और उसके बाद जो है हम इस तरह से जो है ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे इस सैम्पल पे बताऊंगी जो हमारी एंडिंग रो बनेगी वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद तीन फंदे हमने सिंपल बनाने हैं, एक दो तीन। फाउंडेशन रो पे हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदे उल्टे बनाए थे, एंडिंग रो पे हम एक फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे और उसके बाद धागे को आगे कर लेंगे ऐसे को। और यहाँ पे देखिए हमने जो ये फंदा स्लिप किया इसको उठा के हम इस तरह से लाएंगे और इन दोनों को साथ में बुन लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे और ये इस तरह से तीन फंदे और हम
बुनेंगे सीधे सीधे और धागे को आगे करके फिर ये लूप उठा के हम इस तरह से इकट्ठा बना लेंगे। फिर से सीधा सीधा बुनेंगे तीन फंदे सीधे बुनने हैं और चौथा फंदा जो है वो इस तरह से बनाना है, जहाँ पे चौथा फंदा हमने वहाँ पे बनाना है जहाँ पे हमने नीचे जो है फंदे को स्लिप किया हुआ था। देखिए धागे को आगे लाना है, फिर हमने इसे उठा के साथ में उल्टा बनाना है। तो इस तरह से हम जो है ये जो एंडिंग रो है इस तरह से बनाएंगे। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद चौथे फंदे पर ये इस तरह से, ये इस तरह से, एक दो तीन, एक बार फिर से कर लेते हैं। थर्ड लास्ट फंदे के ऊपर इस तरह से, लास्ट में दो फंदे रह जाएंगे, दोनों हमने उल्टे बना लेने हैं। अगर आपका जो ये फंदा है, जैसे अभी इस सिलाई पर जो है हमने ये चौथा फंदा, एक फंदा स्लिप करने के बाद चौथे फंदे पर इस तरह से बनाया है, हो सकता है कि आपका ये जो दूसरा फंदा है एक फंदा स्लिप करने के बाद एक सीधा बनाने के बाद ये यहाँ पे आए। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको वो देखना पड़ेगा, जहाँ पे अपने नीचे जो है फंदा स्लिप किया हुआ वहीं पर आपको जो है डिज़ाइन बनाना है। बाकी सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे बना के जो है हम अपने डिज़ाइन को जो है यहाँ पे क्लोज कर लेंगे।